हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस स्टूडेंट्स इन द पॉइंटर्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। वी हैव टू न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। एक होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, विच इज द आरएनए मॉलिक्यूल। दोनों के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। डीएनए एंड आरएनए, डीएनए हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल। वी हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट इन बॉडी। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बट ये वायरस में होता है। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज एक्चुअली मैसेंजर, सॉरी नॉट मैसेंजर, बट यस दे हैव आरएनए। दे कैन हैव डबल स्टैंडर्ड आरएनए, दे कैन हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। दैट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कैन बी अ पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड और इट कैन ऑल्सो नेगेटिव स्ट्रैंड। तो इस तरीके से बच्चों, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, ये हमारे कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे स्टोर एंड ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमें ये डीएनए जो है, दीज न्यूक्लिक एसिड्स दे आर कॉम्पैक्टेड कॉम्पैक्टेड एंड कॉम्पैक्टेड और इन्हीं से जेनेटिक मटीरियल। एंड दैट क्रोमोसोम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है पेरेंट्स के अंदर, उसको ट्रांसमिट किया जाता है अगले जनरेशन। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दीज एसिड, दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल। दो टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, एक होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो, एक होता है हमारा डीएनए आरएनए। अगर हम बात करते हैं डीएनए की और आरएनए की, तो ये दरअसल पॉलीमर होते हैं। दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोट। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, तो इसकी बात हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस की। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये हमारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड, डाईडीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं और उन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है पॉली न्यूक्लियोटाइड, विच इज दिस डीएनए मॉलिक्यूल और आरएनए मॉलिक्यूल। तो दोनों क्या है, दोनों हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है दोनों हमारे पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो इनके स्ट्रक्चर में पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसको एक पेंटोज शुगर अटैच रहता है। दे हैव द नाइट्रोजनस बेस। आरएनए की अगर हम बात करते हैं, तो आरएनए में थायमिन के जगह पे यूरासिल आ जाएगा। बाकी जो तीनों बेसिस, सॉरी एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये हमको सेम देखने को मिलता है डीएनए में भी और आरएनए में भी। अगर हम बात करते हैं प्यूरीन की, तो एडिनिन एंड गुआनिन दे आर द प्यूरीन एंड दे बोथ हैव टू रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर। वहीं अगर हम बात करते हैं पिरिमिडिन की, तो पिरिमिडिन में आता है हमारा साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, और इनमें हमको सिर्फ एक ही रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए में क्या देखा जाता है, यहाँ पे एडिनिन पेयर करता है थायमिन के साथ में बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ में बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, उनमें ये दो लिंक, दो मतलब हमारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहेंगे। दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स में ये चार न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं और ये इस तरीके से आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होके अरेंज होते हैं। अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा थायमिन नहीं रहेगा बल्कि एडिनिन के साथ में यूरासिल पेयर करता है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, इनमें 5' to 3' डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है, डायरेक्शनलिटी होता है। इनमें शुगर फॉस्फेट की बैकबोन देखें, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कनेक्ट किसको करेगा, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड करता है 3' कार्बन साइड के विद दी 5' कार्बन ऑफ शुगर। डीएनए हमारा एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ये एक डबल हेलिक्स फॉर्म करता है। आरएनए हमारा एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। कुछ वायरस के पास में जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंड, सम वायरसेस दे कैन हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हमारा जो ये डीएनए डबल हेलिक्स है, ये स्टेबलाइज होता है यूज, तो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड में जो भी हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस रहते हैं, उनके सामने हमको ये बॉन्ड देखने को मिलता है। डीएनए आरएनए का काम क्या होता है, तो डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को और आरएनए मैसेंजर के फॉर्म, एंड दैट मैसेंजर विल बी यूज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस।
डीएनए सर्व्स एज ए जेनेटिक मटेरियल और उसको फर्दर आगे आरएनए, तो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। फर्दर हम इसी आरएनए को यूज करेंगे फॉर द ट्रांसलेशन, हम फर्दर इसी एमआरएनए को यूज करेंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। उसके अलावा जीन रेगुलेशन भी देखने को मिलता है। रिसेंटली यू ऑल हैव हर्ड ऑफ दी नोबेल प्राइज जो मिला था, तो एम आई आर एन ए को स्टडी किया गया एंड दिस एम आई आर एन ए इज फॉर दी जीन रेगुलेशन। तो आर एन ए क्या करता है, आर एन ए जीन रेगुलेशन, जो हमारा ये मैसेंजर आर एन ए है ये कोड करता है जेनेटिक कोड को डी एन ए से राइबोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा डी एन ए से पहले बनेगा हमारा ये आर एन ए, और एम आर एन ए को फर्दर यूज करके प्रोटीन कोड किया जाता है। एक हमारे पास होता है ट्रांसफर आर एन ए, इसको हम लोग अडाप्टर आर एन ए भी बोलते हैं। ये क्या करता है, तो ये अमाइनो एसिड्स को लेके आता है राइबोसोम तक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो एम आर एन ए डी एन ए से मैसेज लेके आया, टी आर एन ए अमाइनो एसिड्स को लेके आता है राइबोसोम तक। इसके अलावा वी हैव दी राइबोसोमल आर एन ए दैट इज आर आर एन ए, ये राइबोसोम्स का ही पार्ट होता है। राइबोसोम आर दी राइबो न्यूक्लियो, राइबोसोम के स्ट्रक्चर में तो प्रोटीन का पार्ट भी देखने मिलता है और आर आर एन ए का पार्ट भी देखने मिलता है एंड दे आर इम्पॉर्टेंट इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम बात करते हैं डी एन ए के रेप्लीकेशन की, तो दिस प्रोसेस एक्चुअली द रेप्लीकेशन एक्चुअली एंश्योर्स दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है टू दी डॉटर सेल्स। अगर हम बात करते हैं रेप्लीकेशन की, तो डीएनए को कॉपी किया जाता है बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और ये परफॉर्म किया जाता है 5' to 3' डायरेक्शन में। अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो ये प्रोसेस होता है जहाँ पे मैसेज लिया जाएगा डीएनए से आरएनए में, और ये फंक्शन को परफॉर्म करता है आरएनए पॉली। तो डीएनए पॉलीमरेज करवाता है रेप्लीकेशन, आरएनए पॉलीमरेज करवाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो आर एन ए पॉलीमरेज दरअसल डी एन ए को यूज़ करके आर एन ए का सिंथेसिस करें, फर्दर उसी आर एन ए को यूज़ करके प्रोटीन बनाया जाता है एंड दैट वर्क इज डन बाई दी राइबोसोम्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अगर हम बात करते हैं हमारे मैसेंजर आर एन ए की, तो मैसेंजर आर एन ए में जितने भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, तो वो तीन न्यूक्लियोटाइड्स उनसे मिलकर बनाए जाते हैं हमारे कोडॉन्स। सो द जेनेटिक सेट इज बेसिकली कोडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, जेनेटिक कोड बुलाया जाता है जिनको, और ये यूनिवर्सल होता है। मतलब अगर ए यू जी हमारे अंदर या मेरे अंदर मिथियोनिन है, तो बैक्टीरिया में भी उससे मिथियोनिन ही ऐड होगा और कोई अमाइनो एसिड ऐड नहीं। कोडॉन्स जो है ये तीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, जो स्पेसिफाई करता है अमाइनो एसिड को या फिर स्टॉप सिग्नल को। ए यू जी हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है, इसके अलावा यू ए जी, यू ए एंड यू जी, दिस थ्री आर दी स्टॉप कोडॉन्स। ये बात हो गई हमारे कोडॉन्स। फर्दर अगर हम बात करते हैं डीएनए के म्यूटेशन की, तो डीएनए के म्यूटेशन की वजह से बच्चों चेंजेस आ सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अगर डीएनए में चेंज आएगा तो आरएनए में चेंज आएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलता है। म्यूटेशन आपके पॉइंट म्यूटेशन हो सकते हैं, जिसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है, जिसकी वजह से हमारा कोड ऑल्टर हो सकता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या देखने मिलता है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हमको देखने को मिलता है यहाँ पे देयर इज कंप्लीट इंसर्शन और देयर इज कंप्लीट डिलीशन। यहाँ पे कंप्लीट इंसर्शन हो सकता है, कंप्लीट डिलीशन भी हो सकता है। डीएनए को ऑर्गेनाइज किया जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, तो डीएनए और हिस्टोन से मिलके बनता है ये वाला क्रोमोसोम। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो है वो उनके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है, एज दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इनके साइटोप्लाज्म में ही एक पोर्शन रहता है जहाँ पे डीएनए काफ़ी अबंडेंटली प्रेजेंट रहता है एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड रीजन। हिस्टोन्स हमारे वो प्रोटीन्स हैं जिनके अराउंड हमारा डीएनए रैप होता है और इससे अल्टीमेटली बनता है न्यूक्लियोसोम्स। तो न्यूक्लियोसोम्स आर नथिंग बट हिस्टोन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर अटैच। आरएनए की जो प्रोसेसिंग की जाती है बच्चों, दिस इंक्लूड्स एडिंग ऑफ द 5' कैप। एक बार हमारा एमआरएनए बन जाएगा तो बनते कुछ को ट्रांसलेशन, जैसे कि 5' कैप ऐड होता है 5' एंड में,
थ्री प्राइम एंड में पॉली एडिनिलेशन देखने को मिलता है, प्लस बीच जो भी एंट्री रहेंगे उनको स्प्लाइस आउट किया जाता है। कभी कभी हम परफॉर्म करते हैं ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, जिसकी वजह से एक ही डीएनए से हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। हर आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाया जाता है, हमारे पास में कुछ नॉन कोडिंग आरएनए भी होते हैं। ये जो नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं इनका होता है रेगुलेटरी रोल। सो वी हैव दिस एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, पीआरएनए, इसका देखा जाता है दैट दे ऑल हैव द रेगुलेटरी रोल्स। राइबोसाइम्स क्या होते हैं? तो ये हमारे आरएनए मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बट दे विल हैव द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस 23S आरआरएनए है, उसके बाद में हमारे पास में जो भी सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स, ये सारे के सारे आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ राइबोसाइम। वी हैव दी स्टीलोमियर्स, स्टीलोमियर्स जो होते हैं बच्चे क्रोमोसोम के एंड में प्रेजेंट रहते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं आरएनए को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? तो आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। प्लाज्मिड्स, दे आर सम स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ये हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है। बैक्टीरिया के पास में एक तो होता है खुद का जीनोम, उसके अलावा बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मिड भी प्रेजेंट रहता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड होता है वो कहलाता है एफ प्लस प्लाज्मिड, जहाँ पे प्लाज्मिड नहीं है वो कहलाता है एफ माइनस प्लाज्मिड, एफ माइनस बैक्टीरिया। डीएनए सीक्वेंसिंग परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैक्सिमम हमारे पास में अलग अलग मेथड, डाइडियोक्सी थायरो सीक्वेंस है, अलग अलग मेथड को यूज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड द डीएनए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक मेथड है जिसको करते हैं ट्रांसक्रिप्टिफाइज़ी, इससे हम डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, तो हमारा कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, हमारे उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम एक प्लाज्मिड में इंसर्ट, हमारा प्लाज्मिड का मतलब होता है कि वो एक वहीकल है, उस वहीकल में हमारे जीन ऑफ को ऐड करते हैं। क्रिस्पर कैस नाइन एक एडिटिंग टेक्नोलॉजी है बेस्ड ऑन दी आरएनए गाइडिंग डीएनए। कभी कभी डीएनए को मॉडिफाई किया जाता है ताकि जीन के एक्सप्रेशन को मॉनिटर ऑल्टर किया जा सके, तो इसमें हम लोग मिथाइलेशन वगैरह परफॉर्म की वजह से डीएनए का न्यू क्रोमाटिन हेटरो अलग अलग कन्फर्मेशन में जाता है। डीएनए मिथाइलेशन किया जाता है, मॉडिफिकेशन मॉडिफाई किया जा सकता है, इसकी वजह से हमारा जो क्रोमाटिन रहता है ये दो फॉर्म में, एक होता है यूक्रोमैटिन फॉर्म और दूसरा होता है हेटरो। यूक्रोमैटिन फॉर्म जो रहता है वो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव रहता है, हेटरोक्रोमैटिन जो हमारा यूक्रोमैटिन फॉर्म में अगर डीएनए है हेटरोक्रोमैटिन में है तो नहीं हो पाता। तो आई होप द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स आर यूजफुल टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स। टू गेट मोर क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आप हमारी ऐप में विजिट करके इसके बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एंड इम्प्रूव द। वॉन्ट एनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम आई डी कार्ड भी, तो आप हमारी वेबसाइट पर ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। लर्न विथ अस, स्टडी विथ अस, गेट अ गुड रैंक, सी वेरी हैप्पी।